जो हमारी मदद करते हैं, तो हम नबी को कैसे भूल जाए जिस नबी के सदके में हमें यह सब मिला है। और वो नबी तो कभी नहीं भूला, दुनिया में नबी आया तशरीफ लाए, हमारे नबी रेत के जब्बात को पकड़ करके कहा अरे खुदा बब्बे हमली उम्मती या खुदा बब्बे हमली उम्मती, अरे खुदा में अभी तो जन्म हुआ है, 40 साल के होंगे नबुवत का ऐलान होगा, उम्मती होंगे गुनहगार उम्मत तब पता चलेगा, तो ये तो बाद की बात 40 साल के बाद, मगर ये नबी कैसा है कि नबी जन्म ले रहा है और जन्म लेते ही छोटे छोटे हाथों में रेत के जब्बात को पकड़ करके वो खुदा से कह रहा है अरे खुदा मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, इन रेत के जब्बात के बराबर मेरी उम्मतियों को बख्श दे। वो नबी जवानी की तकलीफ पर, चाहे वो समंदर की तुगयानी का हो, चाहे वो नबी जंगलों पर अफान में हो, चाहे वो नबी मदीने की गलियों में हो, चाहे वो नबी मक्के की वादी में हो या जंगे बदर में हो, वो नबी जहां नहीं मिला, अरे इतिहास को नबी का यह कहता है कि ये तमाम बातें तो दूर की, कब्र की आगोश में जब नबी को उतारा गया तो फिर उस वक्त सहाबा ने कहा हजरत तलहा से, कहे तलहा नबी के होंठ क्यों रहे, हजरत तलहा ने कान करीब किया कसम खुदा की, हजरत तलहा कहते थे कि ऐ सहाबा कसम खुदा की नबी के होंठ जो गिर रहे वो रब्बे हमली उम्मती के। नबी का मकाम क्यों हुआ, नबी सिदरतुल मुंतहा इतनी बुलंद मंजिल कि जहां पर जिब्रील आगे न बढ़ सके, एक आसमान दूसरा आसमान तीसरा आसमान चौथा सातवां और सिदरतुल मुंतहा मकाम नामकाम, खुदा के सामने नबी मौजूद है और खुदा के पास जाकर के अगर नबी ने वहां पर भी किसी को याद किया तो गुनहगार। मुझे मेरी उम्मत का दम है, सोचो तो सही, वो नबी इतनी बलंदी पर के खुदा के सामने खड़ा हो गया फिर भी गुनहगार उम्मत को ना भूला। अब उम्मत के लिए जरूरी है इद्दी मिलादुन नबी नहीं, उनको तो पूरी जिंदगी नबी को नहीं भूलना चाहिए।